राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता शाहदेव के द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित संबोधित किया गया एवं इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आगामी 21 अप्रैल को होने वाले इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित उलगुलान न्याय यात्रा पर कड़ी और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि उलगुलान शब्द झारखंड की परंपरा और स्मिता से जुड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन उलगुलान नाम का उपयोग अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी सीता सोरेन अपने स्वर्गीय पति के मौत के जांच को लेकर हमेशा मांग करती रही, पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को लेकर हमेशा अनदेखी करता रहा। इस न्याय यात्रा के आयोजन में सनातन विरोधी लोगों का भी जूठान होगा। उलगुलान रैली का आयोजन कर रहा है। हमारा मानना है कि ऐसे आयोजन के लिए उलगुलान शब्द का प्रयोग करना बेहद खेदजनक, आपत्तिजनक, आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने वाला और भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा जिस आंदोलन से अंग्रेजों को खदेड़ने की शुरुआत हुई थी, इन सब चीज़ों का अपमान है। और उलगुलान की बात कौन कर रहे हैं साहब? ये उलगुलान ना होकर ये भ्रष्टाचारियों का जुटान प्रतीत होता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जुटान प्रतीत होता है, ये राजनीतिक राजवंशीय राजकुमारों का जुटान प्रतीत होता है और सनातन विरोधियों का भी ये जुटान प्रतीत होता है। और इसका नाम इन्होंने उलगुलान दिया है। ये वीर शहीद जो झारखंड के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च कुर्बान किया था, सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका अपमान है। क्योंकि मंच पर कैसे लोग नजर आएंगे साहब? वैसे लोग नजर आएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है या जिनके परिजन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, या ऐसे लोग नजर आएंगे जिन्होंने सनातन धर्म को गाली दिया है। तो हमारा मानना है कि ये उलगुलान शब्द का प्रयोग करके उन्होंने झारखंड का अपमान किया है और देश के समस्त आदिवासियों का अपमान किया है उलगुलान रैली करके। और उलगुलान की बात करें ना, तो उलगुलान की शुरुआत तो सोरेन परिवार में ही हो गई है, जब सीता सोरेन जी ने झंडा बुलंद किया, उलगुलान का आह्वान किया कि जो एक तरफा आक्रमण हो रहा है उनके ऊपर, जिस मुश्किल हालात में उनको अपने और अपनी बेटियों की परवरिश करनी पड़ी, उनके पति की मौत दुर्गा सोरेन की वो जांच की मांग करती रही, लेकिन इस निष्ठुर सरकार ने बंद करके रखा अपने कान, उनके मांगों को अनसुना कर दिया। देखिए, और जो विपक्षी गठबंधन का हाल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब चतरा, पलामू, लोहरदगा, राजमहल, कोडरमा सीटों की बात करें तो कहीं फ्रेंडली फाइट की बात हो रही? सब राजनीति में फ्रेंडली फाइट क्या होता है? अगर चतरा में राजद और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो एक दूसरे के वोट को काटेंगे, तो यहाँ फ्रेंडली कुछ नहीं होता। तो ये और इसके अतिरिक्त जो इनके पार्टी के विद्रोही उम्मीदवार हैं वो भी कहीं कहीं कई सीटों पर तालमेल, अपना ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये गठबंधन बिना नीति सिद्धांत का, बिना जनता की सोच कर आया। आपने अनेक बार ये देखा है कि इनके बीच में सीटों को लेकर विवाद होता रहा, कौन किस सीट से लड़ेगा इसको लेकर विवाद होता रहा, लेकिन जनता के लिए क्या सोच है, झारखंड के लिए क्या सोच है, ये इन्होंने अभी तक उजागर नहीं किया। तो यही इनका लीडरशिप पूरे तरीके से एक्सपोज्ड है। और दूसरा हमारा मानना है ये सनातन विरोधियों का भी जुटान होगा। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने सामान्य ज्ञान को ठीक करना चाहिए, हालांकि आप में से किसी ने ठीक करने की कोशिश भी की थी। वो डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन थे जिन्होंने सनातन के लिए घटिया घटिया शब्दों का, कीड़ा मकोड़ा, डेंगू, मलेरिया, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया था। और उस मंच पे तो कांग्रेस के नेता भी नजर आएंगे जिनके सांसद डी शिव कुमार ने अलग राष्ट्र की मांग की थी दक्षिण भारत के लिए। तो ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। तो हमारा मानना है कि अविलंब इनको उलगुलान शब्द का अपमान नहीं करना चाहिए। आदिवासी अस्मिता से जुड़ा है, आदिवासियों के मान स्वाभिमान का वो प्रतीक है, और वो सबसे बड़े आदिवासियों के जो भगवान माने जाते हैं बिरसा मुंडा, उनके द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जी, हम साइलेंस ऑन द फ्लोर कह रहे हैं, जो इन लोग स्टूडियो में दुख को गद्दा कर दिया जाए, क्या दुख को गद्दा कर दिया जाए, क्या ले ले
बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, शुरू करें।